ऐसा ही नजारा कुराली में उस समय देखने को मिला जब एक परसनी विद्यालय पर तैनात प्रधानाचार्य स्कूल छोड़कर अपने नजदीकी का चुनाव प्रचार करने लगा। इतना ही नहीं, यह अध्यापक नजदीकी को वोट न देने पर बच्चों को फेल करने की धमकी दे रहा है। करीब आधा दर्जन लोगों ने इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की है। गांव-गांव में अभी भी सरकार के चुनाव के शोर नजर आता है। इस शोर के बीच एक मामला ऐसा सामने आया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, मामला है क्षेत्र की ग्राम पंचायत ईसई माज पार्टी का। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हुए से सभी लोग इसी शिकायत को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। यहां इन लोगों ने बताया है कि ईसई के मजरा ईसई खास के कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाचार्य देव लाल शर्मा विद्यालय पहुँच कर स्कूल का गेट खोल कर गाँव में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाता है, जो अभ्यर्थियों से कहता है कि हमारे कहने पर वोट नहीं दिया तो अगली बार तुम्हारा बच्चा फेल हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह अध्यापक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों को और भी अन्य तरीके से भड़काता है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे इन लोगों ने और क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। सुनील जी, जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या है? हम लोग इसी समाज पार्टी के लोग हैं, ब्लॉक पुरानी से। तो हमारा चुनाव हो रहा है पंचायत चुनाव में एक अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक जूनियर हाई स्कूल में देवलाल शर्मा नाम का मास्टर है, हेडमास्टर, वो अनिल शर्मा के साथ में प्रचार कर रहा है। उसका वीडियो है, उसका फोटो भी हम लोगों के पास, और ये धमका रहा है लोगों को कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर तुम बच्चे पढ़ाओगे तो अनिल शर्मा को वोट करो, नहीं वोट करो तो हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, और खुलेआम धमकी दे रहा है।